शांति से शुरू से थोड़ा सा लिंक करो, 2 मिनट रिवाइज करेगा, सब्जेक्ट को लिंक करने में आसान हो जाएगा, समझने में आसान हो जाएगा, है ना। ऐसे खाली समझा देंगे उल आ जाएगा। हमने आपको क्या पढ़ा रहे हैं, मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले मेटल नॉन मेटल का क्या पढ़ा है, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल देखने में कैसा होता है, हार्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट वगैरह करता है। फिर मेटल नॉन मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ा है, केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, है ना। ये इसका क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। उसके बाद आपको क्या पढ़ा है बाबू, है ना, मेटल और नॉन मेटल का क्या उसको फॉर्मूला, बॉन्डिंग बताया है ना, मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, यही सब बताए थे। उसके बाद आपको क्या बता रहे हो, मेटल को हम लोग जमीन के अंदर से कैसे निकालेंगे, तो कौन सा टॉपिक चल रहा है, मेटलर्जी प्रोसेस, है ना, मेटलर्जी। मेटलर्जी मींस क्या होता है, मेटलर्जी वर्ड का मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर, है ना। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, मेटल को हम लोग क्या निकालते हैं ना, ये समय ऑन करो वो बाद में लिखेगा, मेटल के एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मेटलर्जी कहेंगे, है ना। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द होता है ना। तो मेटलर्जी में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मेटलर्जी प्रोसेस में, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं ना, मैंने जमीन के अंदर से क्या निकालते हैं, ओर से निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, है ना, मिनरल्स निकालते हैं, है ना। और वह मिनरल्स जिस मिनरल से हम लोग वो क्या होगा, मेरा मेटल एक्सट्रैक्शन होगा, उसको ओर कहेंगे। जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा ढेला निकाला, है ना, बहुत बड़ा क्या निकाला, ढेला निकाला, तो किसको मिनरल्स कहेंगे, है ना। तो वो जो ढेला निकला वो क्या हो गया, मिनरल्स हो गया, है ना। तो ओर किसको कहेंगे, अगर उस ढेला से जो मेरा निकल रहा है मेटल वो क्या हो, प्रोफिटेबल हो, तभी उस मिनरल को हम लोग क्या कहेंगे, ओर कहेंगे। उस मिनरल को क्या कहेंगे, ओर कहेंगे। तो मान लो आपका जमीन के अंदर से ये ओर निकल गया, अब इसको इससे क्या निकाला, मान लो इसमें कॉपर प्रेजेंट है या आयरन प्रेजेंट है, तो इससे आपको कॉपर आयरन का क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करना है प्योर फॉर्म में। तो इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको इसको क्या करोगे, क्रशिंग करोगे, इसको छोटे, बहुत बड़ा बड़ा रहता है जी, बहुत बड़ा बड़ा रहता है, तो इसको छोटे छोटे पीस में क्रश करोगे। जैसे क्रश कर देते तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रशिंग ऑफ ओर कहेंगे, पहला स्टेप ये होगा। दूसरा स्टेप क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है, जिसको इनरिचमेंट कहेंगे चाहे ड्रेसिंग ऑफ ओर कहेंगे, मतलब जो ओर छोटे छोटे पीस में किए उसको क्या करो, कंसंट्रेशन करो। तो कंसंट्रेशन करने का क्या प्रोसेस, 4 मेथड बताए थे, हाइड्रोलिक वाशिंग, पानी के द्वारा बाष्प, या पानी पानी के द्वारा क्या निकालो, पानी के द्वारा बहुत बड़ा है ना, हाई प्रेशर में इस पर पानी चला तो जो हल्का पार्टिकल होगा वो क्या होगा, फ्लो हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया, 4 मेथड बताया गया, हाइड्रोलिक वाशिंग, मैग्नेटिक सप्रेशन, फोर्थ फ्लोटेशन, और एक क्या बताए थे बाबू, फोर्थ फ्लोटेशन के बाद कौन सा प्रोसेस बताए थे जी, एक आपका बताए थे बाबू, फोर्थ फ्लोटेशन के बाद क्या बताए थे बाबू, आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हमने कितना स्टेप, चलिए चार जी, स्टेप, हाँ, पहला कौन सा, हाइड्रोलिक वाश किए, उसके बाद आप मैग्नेटिक सेपरेशन किए, फिर आप उसका फोर्थ फ्लोटेशन किए, फिर लीचिंग किए, 4 गो ये हो गया। और जैसे ओर कंसंट्रेटेड हो गया तो उसको फिर हम लोग ओर को क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, जो भी ओर था उसको क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। जैसे HG है तो HGO बनाएंगे, शांति समझते चलना, जैसे HG है तो क्या बनाएंगे, HGO बनाएंगे। जितने भी सारे ओर है उसको क्या करोगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, है ना। तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का 2 प्रोसेस, रोस्टिंग के द्वारा और कैल्सिनेशन के द्वारा। रोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, मेटल को हीट करते हैं किसके प्रेजेंस में, है ना, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर के प्रेजेंस में, तो उसको हम लोग रोस्टिंग कहेंगे। और कैल्सिलेशन क्या करेंगे, लेस पर्याप्त क्या, इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट में अगर हीट करेंगे तो मेटल्स को क्या करेंगे, उसको कैल्सिनेशन कहेंगे ना। तो थर्ड स्टेप आपका क्या, मेटल का मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन। फोर्थ स्टेप, अब मेटल जब मेटल ऑक्साइड में आ जाएगा, मेटल आपका क्या आ गया, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेटल सेल्फ ओर्स है, जो भी ओर्स है, जैसे मान लो आप HGS का ओर्स है, जो भी ओर्स है ना, जो भी ओर्स है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अब जो मेटल ऑक्साइड में ओर आ जाएगा, इससे हम लोग क्या करेंगे, है ना, ये मेटल ऑब्टेंड करेंगे, है ना, इसी से हम लोग क्या करेंगे, मेटल ऑब्टेंड करेंगे। तो फोर्थ स्टेप क्या, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इंटू मेटल्स, यही फोर्थ स्टेप है। तो वही फोर्थ स्टेप हम लोग को पढ़ना है, फोर्थ स्टेप वही। तो कल आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ किसका बताया था, आयरन का बताया था, वो आपको सेपरेट करके बता दिया था ना, सेपरेट करके बता दिया था ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ब्लास्ट फर्नेस का कंसेप्ट आपको बता दिया था ना, ठीक। तो फोर्थ स्टेप हमको क्या बाबू, जो भी मेटल है बाबू, मेटल ऑक्साइड है, जो भी मेटल ऑक्साइड थर्ड स्टेप में ऑब्टेंड हुआ कैल्सिनेशन के द्वारा, रोस्टिंग के द्वारा, अब उससे हमको क्या करेंगे, ओर ऑब्टेंड करेंगे। मेटल क्या करेंगे, मेटल क्या करेंगे, ऑब्टेंड करेंगे, है ना, मेटल ऑब्टेंड करेंगे ना। तो ये फोर्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप में, या स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लाभ वीडियो ऑन करो, रिफाइनिंग कर देंगे, जो भी मेटल्स आएगा उसको क्या कर देंगे, रिफाइनिंग कर देंगे, ठीक है ना। तो अब फोर्थ स्टेप से हम लोग पहुंच चुके हैं ना। तो इसको पढ़ने से पहले बाबू देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है,
है ना बाबू, फ्री स्टेट, यहाँ पे लिखल है कंबाइन स्टेट, यहाँ पे लिखल है फ्री स्टेट कंबाइन स्टेट। तो ये दो शब्द का मतलब क्या है, इस दोनों शब्द का मतलब क्या है? तो यह दोनों शब्द का मतलब आपको ऊपर पहले हम सब लिखा चुके हैं ना, लिखा चुके हैं हम लोग। इसी तरह जो भी सब्जेक्ट आ, जो भी टॉपिक वर्ड आ गया आता है, जो भी कंसेप्ट आ गया था, उसको पहले डिफाइन कर दीजिए ताकि बच्चे को समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। देखो फ्री स्टेट ऑलरेडी एक बार आपको हम बता चुके हैं। जैसे बाबू को बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं बाबू जो अर्थ क्रस्ट से, अर्थ क्रस्ट से क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्टेंड हो जाएगा, वो किसी कंपाउंड के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वैसे मेटल को हम लोग क्या कहेंगे, फ्री स्टेट कहेंगे चाहे नेटिव स्टेट कहेंगे, शांति से समझना। जैसे आप कॉपर ले लो, तो कॉपर या बाबू है ना मरकरी ले लो, कॉपर ले लो चाहे मरकरी ले लो, तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन हम लोग कॉपर सल्फाइड Cu2S से करेंगे, कॉपर का एक्सट्रैक्शन हम लोग कौन से ओर से करेंगे, Cu2S से करेंगे। तो ये क्या हो गया, कंबाइन स्टेट हो गया, कॉपर के साथ सल्फर मिला हुआ है ना, तो ये कंबाइन स्टेट हो गया है ना। लेकिन बाबू आपको हम लोग जब Au का एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो एयू के साथ कोई अदर कंपाउंड नहीं मिला हुआ रहता है ना, कोई अदर एलिमेंट नहीं मिला हुआ रहता, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्री स्टेट कहेंगे। मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे मेटल है बाबू जो दूसरे कंपाउंड के साथ क्या रहेंगे, मिक्स रहेंगे। जैसे आयरन हो गया, तो आयरन का कल बताए थे Fe2 होता, ऑक्साइड फॉर्म में होता, इसके साथ क्या होता है, सिल्का भी होता है ना, सिल्का भी होता बाबू है ना, ठीक है ना, टाइटेनियम ऑक्साइड भी होता। तो ये सब आयरन क्या हो गया, कंपाउंड, ये कंबाइंड स्टेट हो गया, कौन सा है ना, कंबाइंड स्टेट। मतलब कोई भी एलिमेंट वो अगर सिंगल में नहीं एग्जिस्ट कर रहा, किसी दूसरे आइटम के साथ क्या हो रहा, कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना, कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंबाइन स्टेट कहेंगे। अब बहुत सारे ऐसे आइटम बाबू जो सिंगल एग्जिस्ट करेंगे, क्या करेंगे, सिंगल एग्जिस्ट करेंगे, और दूसरा उसका दूसरा कंपाउंड रह भी नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री स्टेट कहेंगे, चाहे क्या कहेंगे, नेटिव स्टेट कहेंगे। तो यही बात आपको सौम्या बाबू यानी को वीडियो ऑन करो जी, हेलो बाबू वीडियो ऑन करो, यही बात कैसे लिखल है, इंग्लिश में लिखल है ना। फ्री स्टेट क्या होगा, ए मेटल अकर इन द फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट वेन इट इज फाउंड इन बाबू अर्थ क्रस्ट इन इट्स बेसिक या अनकम्बाइंड फॉर्म, है ना। कोई भी मेटल बाबू फ्री स्टेट में कब रहेगा, जब वो अनकम्बाइंड में रहेगा, अनकम्बाइंड मतलब दूसरे कंपाउंड के साथ क्या जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्री स्टेट कहेंगे। कंबाइन स्टेट किसको कहेंगे, वह मेटल बाबू है ना, इफ द मेटल अकर इन द कंबाइन स्टेट देन इट इज फाउंड इन द नेचर है ना, इन द वो क्या फॉर्म ऑफ कंपाउंड। अगर कोई भी मेटल बाबू कंबाइन स्टेट में रहेगा तो कंपाउंड के रूप में रहेगा, जैसे Cu2S हो गया है ना, आयरन ऑक्साइड हो गया, कॉपर ग्लांस हो गया, लेड गैलेना हो गया है ना, PbS हो गया है ना, तो ये सब किसी दूसरे कंपाउंड के साथ क्या रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंबाइन स्टेट। ठीक, ये दूगो वर्ड था है ना, वर्ड था। आगे आपको क्या, हमारा स्टेप चौथा है, मेटल ऑक्साइड को कैसे करेंगे, मेटल में कन्वर्ट करेंगे। तो मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करते, तो ये सबसे आसान वाला टॉपिक है ना, कैसे करेंगे वही आपको सीखना है, ठीक है ना। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताए थे है ना, सारे एलिमेंट का, ये सब मेटल का कैसे करेंगे, तो बारी बारी से इतना पढ़ना संभव नहीं है ना, संभव नहीं है, ये एक दो दिन में खत्म हो जाएगा, सबसे आसान वाला यही है। ये हमारे पास क्या हो, इतना गिना चुना मेटल है, और भी मेटल है, और भी मेटल है, तो ज्यादा डिटेल हम लोग को इसमें नहीं करना है ना, टेंथ है ना, जितना टेंथ है तक ना लिमिट करेंगे वो, ऐसा थोड़ी कि ग्रेजुएशन वाला ले पढ़ा देंगे। तो ये आपका क्या वो रिएक्टिविटी सीरीज है, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं ना, पोटेश सोडियम, पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम एल्युमिनियम जिंक है ना, आयरन निकेल एंटीमनी लेड, हाइड्रोजन है बाबू, कॉपर है, HG है, Au, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, Ag आपका क्या हो गया, गो ये सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। ठीक, तो इसको बाबू जो भी बाबू मेटल का है ना, जो भी मेटल का स्ट्रक्चर है, उसको तीन पार्ट में बांट दिया गया। रिएक्टिविटी सीरीज को बाबू कितना पार्ट में बांट दिया गया, यहाँ से ऊपर तक इतना को हाईली रिएक्टिव मेटल कहा गया, बीच वाले को मॉडरेट रिएक्टिव मेटल कहा गया, और नीचे वाले को क्या कहा गया, लिस्ट रिएक्टिव मेटल कहा गया, लिस्ट रिएक्टिव मेटल कहा गया। तो सारे मेटल का रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग ढंग से करेंगे, कैसे करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे सर, पहले रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए है ना। जो ऊपर वाला ये चार पांच है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल, बीच वाले को मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, और नीचे वाले को लिस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक, नेक्स्ट समझते चलो। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है बाबू, वो कभी क्या होगा, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा, वो हमेशा क्या रहेगा, कंबाइन स्टेट में रहेगा। मतलब NS, पोटेशियम सोडियम, पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ये हमेशा क्या, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ये सबसे ऑब्जेक्टिव बनेगा है ना बाबू। बहुत मुहिना आप लोग बुक में देखोगे बाबू, तो इतना नहीं, हाईली खाली ऐसे करके आपको दिखा दिया गया है ना, बुक वगैरह पढ़ोगे तो नहीं आपको मिलेगा है ना, ठीक है ना, खाली इधर हाई रिएक्टिव मॉडरेट ये सब, फ्री स्टेट कंबाइन स्टेट नहीं कुछ दिखाई देगा, ऐसी से क्वेश्चन में पूछ देता है। तो ये जो मेटल है हाईली रिएक्टिव है, तो ये आपको कभी भी कंबाइन स्टेट में ना, ये भल्कि नहीं फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, मतलब अकेला सोडियम नहीं रहेगा, पोटेशियम कैल्शियम नहीं रहेगा है ना, ये सब कैसे रहेंगे, कंबाइन है। जैसे अल्मोनियम होता है L2O3 के रूप में आएगा, मैग्नीशियम आपको हम लोग एक्सट्रैक्शन किससे करते हैं,
MgCO3 के रूप से करेंगे, है ना। तो यह हमेशा जो भी रहेगा सारा का सारा क्या रहेगा, कंबाइन स्टेट में, अति कंबाइन स्टेट में रहेगा, है ना। ये जो मेटल्स है बाबू ये भी क्या रहता है, कंबाइन स्टेट में रहता है ना, ये भी कंबाइन स्टेट में रहेगा, ये भी कंबाइन स्टेट में रहेगा, ठीक। यहाँ से तीन वो समझो, कॉपर HgAu ये कंबाइन और फ्री दोनों स्टेट में रहते हैं। कुछ कुछ मेटल है ना, कुछ कुछ इसका फॉर्म कंबाइन स्टेट में होता है, कुछ कुछ क्या होता है फ्री स्टेट में होता है। और ये लास्ट वाला हमेशा जो मेटल है दो को क्या रहेगा हमेशा, है ना, फ्री स्टेट में, AU प्लेटिनम। ऑब्जेक्टिव आपको आएगा कि कौन सा मेटल हमेशा फ्री स्टेट में रहता है, तो गोल्ड है, प्लेटिनम है, इसी में से एगो एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका हमेशा क्या रहता है, AU और गोल्ड क्या है हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है, ये कंबाइन स्टेट में नहीं पाया जाता ना। AU आपका क्या हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज शैतान मन से पढ़ना है, जो रिएक्टिविटी सीरीज बाबू है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है, उसका रिडक्शन हमको क्या करना है, मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाना है। आपके पास जो मेटल ऑक्साइड आ गया सर, है ना, जो मेटल ऑक्साइड बन के आ गया है ना, मान लो रोस्टिंग हमने किया, मैं क्या आ गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड आ गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO आ गया। तो ये जो मेटल ऑक्साइड आ गया, चाहे जो कॉपर ऑक्साइड आ गया, CuO आ गया, कॉपर ऑक्साइड आ गया, है ना, शांति समझते चलना। अब यहाँ से ऑक्सीजन हटाना है, तो यहाँ से ऑक्सीजन हटाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। कॉपर ऑक्साइड से चाहे किसी भी मेटल का ऑक्साइड से ऑक्सीजन जब हटाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन सर, तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उसका रिडक्शन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू करेंगे, करेंट पास करके, वीडियो दिखाएंगे सारा बताएंगे। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उसका हम लोग रिडक्शन कैसे करेंगे, तो हमको ऑक्सीजन हटा, जैसे सोडियम है तो सोडियम का ऑक्साइड रहेगा Na2O रहेगा, सोडियम का ऑक्साइड Na2 रहेगा। अब यहाँ से ऑक्सीजन हटाओगे तो ऐसे ही हटा दोगे, उसके लिए प्रोसेस अप्लाई करोगे ना, तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है कौन सा सर, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम एल्युमिनियम, है ना, ये सब का सारे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक करेंट के थ्रू करेंगे। कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक करेंट के थ्रू, समझते चलना, याद होना चाहिए। जो भी मेटल्स वो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, जैसे जिंक है, फिनिकल, एंटीमनी, लेड हो गया, है ना, ठीक। तो ये सब मेटल जो भी है इसका हम लोग कैसे ये रिडक्शन करेंगे, ये रिडक्शन बाय रिड्यूसिंग एजेंट यूजिंग कार्बन। कार्बन मेरा क्या होता है, कोक होता है ना, कोक मेरा क्या, इसको जब रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा, कल ब्लास्ट फर्नेस में किया था ना। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हाईली क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जो मॉडरेट है बाबू, जो मॉडरेट मेटल्स है उसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे, है ना, रिएक्शन के रिडक्शन किसके साथ करवाएंगे, कार्बन के साथ। किसके साथ करवाएंगे, कार्बन के साथ, ठीक है ना। जो लीस्ट रिएक्टिव है उसको सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है उसको सिंपली हीट कर दो, तो वहां से ऑक्साइड क्या होगा, निकल जाएगा, वहां से ऑक्साइड क्या होगा, निकल जाएगा। याद रखना, जो सबसे रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो उसका हम लोग क्या करेंगे सर, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। कैसे करेंगे बताएंगे, पहले सीखो। क्या उधर गप कर रहे हो समिया, आपको कहेगा एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, है ना, तो ये सबका एक्सट्रैक्शन कैसे करोगे, तो सबसे पहले सोडियम का क्या करोगे, जमीन के अंदर से निकालोगे, है ना, तो उसको ओर से निकालोगे, उसको क्या करोगे, पहले क्या करो, क्रश कर लोगे, फिर उसके बाद उसका फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर करोगे, है ना। मान लो सोडियम का सल्फाइड है तो क्या करोगे, आपका फोर्थ फ्लोटेशन करोगे, ओर का कंसंट्रेशन करोगे, ओर का कंसंट्रेशन करने के बाद उसको क्या करोगे, आपका क्या ये बाबू है ना, कन्वर्जन ऑफ ओर इंटू मेटल ऑक्साइड, या तो कैल्सिनेशन करोगे नहीं तो रोस्टिंग करोगे, है ना। अब रोस्टिंग जब कर दिया, मैंने मेटल ऑक्साइड आ गया, मेटल ऑक्साइड आ गया, तब उसके बाद क्या करना उसका, है ना, और लास्ट स्टेप क्या करा, मेटल ऑक्साइड से मेटल नहीं ऑब्टेंड करेगा। तो देखो, जब मेटल ऑक्साइड आपका ऑब्टेंड हो गया, अभी तक आपको क्या पढ़ा रहे थे, मेटल ऑक्साइड कैसे ऑब्टेंड करेगा, अब मेटल ऑक्साइड जब मिल गया तो वहां से ऑक्सीजन कैसे हटाए, ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद छोटा सा एक रिफाइनिंग है। तो मेटल ऑक्साइड से मेटल कैसे हटाएगा, मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन कैसे हटाएगा, तो हटाने का तरीका, अगर ये हाईली रिएक्टिव सीरीज में है तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कर देना करेंट के थ्रू, अगर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है तो उसको कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। करेंगे कैसे करेंगे, पहले याद रखो, लेस्ट रिएक्टिव है तो उसको कैसे करेंगे, उसको हम लोग सिंपली हीटिंग कर देंगे, सिंपली क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। जैसे हीट कर देंगे, जैसे मैंने HgO है, तो HgO आपका क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, HG मेरा क्या है, लिस्ट है, HG लिस्ट है, तो मेटल ऑक्साइड आ जाएगा, तो इसको सिंपली क्या कर दो, गर्म कर दो, इसको सिंपली क्या कर दो, हीट कर दो। जैसे हीट करेगा तो ऑक्सीजन निकल जाएगा और आपका क्या होगा, है ना, HG क्या हो जाएगा, ऑब्टेंड हो जाएगा, HG क्या हो जाएगा, ऑब्टेंड हो जाएगा ना, ऑब्टेंड हो जाएगा, तो ये मेटल ऑब्टेंड हो गया। अब उसके बाद जो मेटल ऑब्टेंड हो गया उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्यूरीफाई कर देंगे, रिफाइनिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, रिफाइनिंग कर देंगे।
तो ये क्या है बाबू, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का फोर्थ स्टेप्स है ना, सर, फोर्थ स्टेप। हाइड्रोजन का सर। हाइड्रोजन गैस है बाबू, हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन का हम लोग क्या करते हैं बाबू, है ना, ये सब आप लोग केमिस्ट्री में बना हाइड्रोजन बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं ना, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस है बोला, तो गैस का एक्सट्रैक्शन कैसे, उसको जाके साफ करोगे जी, उसको क्रशिंग करोगे गैस को, उसको क्या करोगे, कैल्सिनेशन करोगे, है ना, गैस को कैसे क्रश करोगे। तो ये हाइड्रोजन यहाँ सिर्फ ये बताया बाबू, है ना, कि हाइड्रोजन के ऊपर वाला एलिमेंट हो गया, ये हाइड्रोजन के नीचे वाला एलिमेंट हो गया ना। हाइड्रोजन इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन को कहीं शामिल नहीं, क्योंकि ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना। तो गैस का हम लोग एक्सट्रैक्शन क्या करेंगे, इसको लैब में बनाएंगे, इसको साइंस लैब में केमिस्ट्री में बनाएंगे, है ना। वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, H2O को तोड़ो, पानी को तोड़ो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो वहाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगा, है ना। तो यही क्या है, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इंटू मेटल्स, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज का था। तो यहाँ से बाबू आपको मेटल ऑक्साइड सब सारा का सारा आपका मेटल ऑक्साइड आ गया, शांति समझना। जैसे सारे के सारे आपके पास क्या आ गया मेटल, जैसे K2O आ गया, Na2 आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया, L2O गया, ये सब ऑक्साइड आपके पास अब आ चुका है ना, सारे का ऑक्साइड आपको आ चुका है, ये सब का ऑक्साइड आ चुका है। अब ये सब का ऑक्साइड आ चुका, तो यहाँ से ऑक्सीजन हटाना है ना। अभी सारे मेटल का ऑक्साइड आ चुका, तो यहाँ से ऑक्सीजन हटाना है। ज्योति वीडियो ऑन करो, तो ऑक्सीजन कैसे हटाएंगे, तो देखना कि कहाँ पे लाई कर रहा है। अगर हाईली रिएक्टिव ग्रुप में मेटल है तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, अगर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कार्बन के द्वारा रिडक्शन करवाएंगे, अगर बाबू लेस रिएक्टिव है तो सिंपली उसको गर्म कर देंगे, चूल्हा पे चढ़ा दोगे, है ना, आपका ऑक्सीजन उड़ जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, मेटल्स बच जाएगा, है ना। तो वही बात लिखल है, द मेटल ऑक्साइड दैट इज फॉर्म बाबू आफ्टर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। हम लोग क्या हो गया, आपका कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गया, है ना बाबू, मेड इंटू कन्वर्टेड बाय रिडक्शन प्रोसेस। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, रिडक्शन करेंगे, मेटल ऑक्साइड जब आपका बन गया तो रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन कौन से करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ये करेंगे, ये कौन से करेंगे, तो देखना कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, लीस्ट रिएक्टिव है तो सिंपल हीट कर देना, मॉडरेट है तो कार्बन के साथ रिएक्शन करवा देंगे, करेंगे, और आपका क्या है बाबू, है ना, हाईली रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे, क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे, है ना। द मेथड विल यूज बाबू फॉर द रिडक्शन विल डिपेंड अपॉन द बाबू नेचर एंड रिएक्टिविटी मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। हम लोग कौन सा रिडक्शन का मेथड यूज करेंगे, आपका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे कि ये करेंगे, ये करेंगे, कौन सा करेंगे, तो कैसे पता चलेगा, उसका नेचर पे, है ना, कि उसका रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ है, ज्यादा रिएक्टिव है तो करंट के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, कम है तो कार्बन के द्वारा, सबसे कम है तो किसके द्वारा, ये हीट करके, कैसे करके, हीट करके, है ना, हीट करके, हीट करके, ठीक बाबू। नेक्स्ट बाबू, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल बाबू, है ना, एक्सट्रैक्ट। अब देखो इसका क्या है बाबू, शांति समझना, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टू मेटल ऑक्साइड है तो तीन स्टेप्स में बांटा गया, कितना प्रोसेस, तीन, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, यहाँ लेस रिएक्टिव मेटल का हम लोग अब हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे, जो फिर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, और जो बाबू हाईली रिएक्टिव मेटल है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल, उसका हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, सिंपली हीट करके, जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है उसका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, है ना, कार्बन के साथ, और जो बाबू सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव उसका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, CO2 इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, है ना। तो ये क्या होते हैं, तरीके होते हैं ना, तरीके होते हैं ना। आगे इसमें एक वर्ड होगा बाबू, मोल्टेन, जो भी आएगा जैसे NaCl आएगा, है ना, तो उस सबका वर्ड क्या होगा, एक मोल्टेन, मोल्टेन क्या होता है जी, जैसे सोडियम निकालना, तो सोडियम अपना किससे निकलेगा, मोल्टेन स्टेट से निकलेगा, मोल्टेन क्या होता है जी, मोल्टेन NaCl, कभी देखा है कोई जी, लिक्विड स्टेट में होता है सर। मोल्टेन NaCl, मान लो सोडियम निकालेंगे क्लोराइड फॉर्म से, NaCl से, तो मोल्टेन NaCl कहने का मतलब क्या होगा, तो सेमी लिक्विड पिघला हुआ हुआ, कैसे पिघलेगा भोली, सर, जला के। जला के बाबू, है ना। तो जो भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे भोला इलेक्ट्रोलाइसिस में, है ना, उसमें हमको क्या रहना चाहिए, मोल्टेन रहना चाहिए। आगे इसका दिखाएंगे सारे का, है ना, सारे का दिखाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अब हम लोग किसका पढ़ेंगे बाबू, सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, मतलब ये सब का पढ़ेंगे। तो इस समय एगो दो, जैसे एगो का एक्सट्रैक्शन करेंगे उसी तरह से क्या होगा, सारे का होगा, तो सारे का नहीं पढ़ना है ना, या कोई वो एगो HG का पढ़ लेंगे, एगो कॉपर का पढ़ लेंगे, है ना, आपका HG का पढ़ लेंगे, एगो कॉपर का पढ़ लेंगे, है ना, कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो इसको सिंपली क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, है ना, हीट कर देंगे, है ना। तो जो भी HG है
उसको पहले क्या करो, एच जी और मिलेगा, उसको क्या करो बाबू, उसको आप क्या करो, क्रशिंग करो, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ और करो, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ और करो, और उसके बाद उसको क्या करो, रोस्टिंग करो, रोस्टिंग से आपका ऑक्साइड में बन जाएगा, ऑक्साइड में बनने के बाद उसको सिंपली हीट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा। तो यही सिंपल सा प्रोसेस होता है ना, यही सिंपल सा प्रोसेस होता है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ बाबू है ना, वो पहला स्टेप्स मेरा क्या है बाबू, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, फर्स्ट मेरा कौन सा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, लिख रहे हो ऐसा बोले ऐसा, सूत गई जी, अब मान से पढ़ना है सौम्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, इसको सिंपली एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल बाबू सिंपली क्या, हीट करेंगे, इट इज सिंपली क्या होगा, इसको हीट कर देंगे, क्या करेंगे बाबू, सिंपली हीट कर, लेस रिएक्टिव मेटल है ना ये सब सारा का सारा लेस रिएक्टिव मेटल, तो इसको सिंपली क्या कर देंगे, है ना, लेस रिएक्टिव, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल बाबू, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, इज सिंपली हीटेड, इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, इसको हीट कर देंगे, सिंपली हीटेड, तो आपका निकल जाएगा, जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, समझा देते हैं उसके बाद कल लिखा देंगे आप लोग, जैसे मरकरी है, तो मरकरी का हम लोग कौन से ओर से एक्सट्रैक्शन करेंगे, सारा शैतान पहले कल याद करके आएगा, मरकरी का एक्सट्रैक्शन कौन से ओर से करेंगे जी, मरकरी का एक्सट्रैक्शन कौन से ओर से करेंगे समझना, याद है बाबू कि नहीं है, मरकरी आपको निकालना है, तो मरकरी का एक्सट्रैक्शन हम लोग कौन से ओर से करते हैं, एचजीएस से, किससे करेंगे, एचजीएस से, इसको क्या कहते हैं, सीनाबार कहते हैं, लिखना नहीं है जी इसको, समझना, इसको क्या कहेंगे, सीनाबार कहेंगे, शांति समझो, लिखना नहीं है, लिखा नहीं रहे बाबू, इसको सीनाबार कहते हैं, तो आपको जमीन के अंदर से मरकरी निकालना, तो क्या करोगे, मरकरी निकलोगे तो पहले मिनरल्स आएगा, तो उसको क्रश कर लोगे, तो क्रश करोगे तो आपका क्या निकलेगा, मैग्नीज, मरकरी सल्फाइड है, मर्क्यूरस ये टू है ना, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड होगा, अब इसको सल्फाइड के रूप में, तो इसको क्या करो, रोस्टिंग कर दो, इसको क्या करो, है ना, कंसंट्रेशन करने के बाद क्या करो, इसको रोस्टिंग कर दो, तो रोस्टिंग कर, सल्फाइड और का आपको बताया था वो हम लोग क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग करेंगे वो मतलब एयर के सफिशियंट अमाउंट में इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, एयर के, लिखना नहीं है जी, एयर के सफिशियंट अमाउंट में इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो गर्म कर देगा तो क्या आएगा, मरकरी ऑक्साइड आ जाएगा, और जैसे मरकरी ऑक्साइड आ गया, फर्दर इसको आप क्या कर दो, रिडक्शन करवा दो, है ना, इसको फर्दर क्या कर दो, रिडक्शन करा दो, मतलब सिंपली इसको क्या कर दो, हीट कर दो, तो जैसे ही हीट करेगा तो यहाँ से ऑक्सीजन गायब होकर आपको क्या मिल जाएगा, मरकरी मेटल मिल जाएगा, तो यही प्रोसेस होता है, आसान सा है, दो स्टेप में खत्म, यही होता, दो स्टेप में आपका खत्म हो गया, तो सिंपली बाबू आपको हमने स्टार्टिंग से लिखना नहीं है, इसको लिखाएंगे लिखाएंगे, ठीक है ना, सिंपली आपको बाबू क्या करना, मार्केट किसी भी वर्ड्स का स्ट्रक्चर सबसे पहला और क्या होगा, क्या होगा, क्रशिंग होगा, फिर कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन में चार स्टेप्स, उसके बाद क्या होगा, रिडक्शन ऑफ में है ना, कन्वर्जन ऑफ मेटल टू मेटल ऑक्साइड, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन होगा, अब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद जो भी ऑक्साइड बनेगा उसको हमको क्या कर देना है, रिडक्शन कर देना, तो रिडक्शन करने के लिए देखेंगे कौन सा मेटल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, लेस रिएक्टिव है तो सिंपल गर्म कर देंगे, मॉडरेट है तो कार्बन के साथ करवा देंगे, हाईली रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रवास करवा देंगे, कैसे करवा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देंगे, है ना, ठीक है बाबू, कि मैक्सिमम शैतान तो सब तो भाग गया जी, तो मैं लिखियो बाबू कि नहीं लिखियो सौम्या, इसको आपको कल लिखा देंगे जी, सब यस सबका तो एग्जाम है, सबका लिखियो बोलिए, सर, नो आ कै बजे उठते हो जी, 5 बजे उठते हो बाबू, सर, 4 बजे सर, तो 4 बजे उठती हो तो आती हो 5:30 बजे कैसे, तो वो जो सब्जेक्ट रहते हैं वो पढ़ती हूँ ना। क्या सर नहीं जो तो जलेगा क्या बाबू, कब चलेगा सर, जलेगा, सजाए सजाए हम स्कूल जाना। आज स्कूल जाना है, कै बजे जाती हो, 7 बजे, नहीं सर, 6:20 में जाएंगे।